नमस्कार, मैं आपका अपना जुगली लगातार आपको हरियाणा का आनंद दिखा रहा हूँ। आज मैं पुराना विधानसभा और यहीं की बात करूँगा। पुराना विधानसभा के मार्केट में बजाज एजेंसी में मैं हूँ और साथ में मैं बता दूँ तौफीक जी हमारे साथ हैं और बात होंगी आज हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ राजनीति की बातें। मैं आपको बता दूँ मेवात में जब भी आप आइए, क्योंकि मेवात की आन और बान और शान कहना जाने वाला हुक्का हमारे पास है और हुक्के के साथ बात होंगी तौफीक जी से। आज बजाज एजेंसी में उनका सम्मान हुआ, लोगों ने उनको समर्थन दिया, युवा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और तौफीक जी यहाँ पर उनको सम्मान हुआ और साथ में हुक्का यहाँ रखा हुआ है। अब तौफीक जी से बात करते हैं, उन्होंने अपने विचार रखे, उसके बाद क्या क्या बातें, क्या क्या वादे उन्होंने किए हैं, उन सभी बातों को जानने के लिए हम सीधा रुख करते हैं तौफीक जी का। जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत बजाज एजेंसी जी में आपका आज स्वागत हुआ है, सम्मान किया है। आज जो मेरे युवा साथी बैठी है, पूरी टीम बैठी है, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी जितनी भी युवा टीम है सबके वो ले लें, क्योंकि आज इन लोगों ने जो मेरे बड़े भाई अमन भाई बैठे हुए हैं, इसके एक ही आवाज़ से मैं पहुँचा यहाँ पर। भाई ने एक आवाज़ दी और मैं बिल्कुल आया, और जो मेरे अमन भाई ने यहाँ पहुँचने पर इन युवा साथियों के साथ मिलकर इतना ज़बरदस्त स्वागत किया, मैं इन युवाओं के लिए अगर ये ज़िंदगी में भी कभी भी इंशाल्लाह हार जीत तो अल्लाह के हाथ में, अगर कभी भी ये युवा साथी खड़े हैं कभी ये कहेंगे तौफीक भाई से पसीना की कहेंगे, तो इंशाल्लाह इनके लिए खून आज रहेगा मेरा जी। अभी आप जब विचार दे रहे थे, बता रहे थे, तो मैंने एक बात सुनी, आपने कहा था कि पुनाना में बाईपास, जबकि 3 दिसंबर का दिन था 2015 को, मनोहर जी यहाँ आते हैं और पुनाना में वादा होता है और घोषणा होती है कि यहाँ बाईपास बनेगा, लेकिन अब तक भी वो देखने को नहीं मिल रही, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है तो फिर जी? ये जो बीजेपी सरकार है, आपको बता दें ये एक बहुत ही घटिया सोच की सरकार है। बीजेपी पार्टी एक मुसलमान को लुभाने के लिए वादे किए थे। अभी आपको बता दूँ 3 महीने पहले एक लाइसेंस का डील का काम किया था कि कहते हैं कि हम आपका डील चालू कर देंगे और अनपढ़ता पर लागू करेंगे, लेकिन डील आज तक चालू नहीं हुआ। आपसे मैंने पहले भी कहा था, इन लोगों ने कहा था कि हम चालू करेंगे, चालू क्या डोनाल्ड ट्रंप आएगा या सऊदी अरब से आएगा कोई यहाँ साइन करने, लेकिन आप लोगों को मेरे मित्र बता देता चाहता हूँ कि नितिन गडकरी अपने साइन करके नहीं लेटर जारी करते और राज्य सरकार को देते मनोहर लाल कट्टर को, और वो तुरंत प्रभाव से इसको चालू करते, लेकिन आज तक नहीं हुआ। इसी तरह से झूठी घोषणा करके नहीं कि हम आपके पुनाना में भी बाईपास निकाल देंगे, पिनंगवा में भी बाईपास निकाल देंगे, आज तक उन्होंने नीम तक नहीं रखी। जी सही, बिल्कुल उनका कहना है कि जो यहाँ मुस्लिम बहुली एरिया है इसमें बीजेपी सरकार ने हमेशा पक्षपात किया है, उसके साथ बात कर लेते हैं, वही उन्होंने डीएल की बात छेड़ी है। तो डीएल को लेकर किस तरह देखते हैं, क्योंकि मेवात में पूरे भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चलाता है और आज वो युवा बेरोजगार बैठा है, घर बैठा है, भूखा है, तो किस तरह देखते हैं, क्या आपकी सरकार आती है, आपको मौका मिलता है तो क्या वाकई में उनको बनेगा? अगर हमारी सरकार इंशाल्लाह ज़रूर बनेगी, 24 तारीख को मेरे मित्र देखना, माननीय श्री राजकुमार सैनी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और मैं पुनाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुन के जाऊँगा और मेरे भाइयों का आशीर्वाद रहेगा, पुनाना की जनता विधायक बन के चंडीगढ़ पहुँचेगी और पहुँचने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर सबसे पहले डीएल का काम किया जाएगा। तौफीक जी, हम आपसे बात करेंगे क्योंकि आप एक नेता होने से पहले एक युवा हैं और साथ में एक समाज सेवी हैं, तो किस तरह देखते हैं मेवात की सभी समस्याओं को, चाहे रेल हो, यूनिवर्सिटी हो, या फिर पानी हो, या युवाओं के लिए बेरोजगार की हो? देखो मेरे मित्र, मैं नेता के रूप में नहीं, सारे भाइयों के बीच में एक भाई बन के और बेटा बन के अपनी पेश हुआ हूँ। नेता तो वो होते हैं जो राजगद्दी शुरू से ही संभाल रहे हैं, ऐसीओ में रहते हैं, मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूँ और गरीब की हर समस्या का ध्यान दूंगा। सबसे पहला हमारा यही मुद्दे हैं, हर घर से एक बेरोजगार को भत्ता मिलेगा, हर परिवार से एक मुलाजिम सरकारी लगाएंगे और सबसे पहले यहाँ शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। दो यूनिवर्सिटियों का काम किया जाएगा, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाएंगे हम, एक तो गर्ल्स की और एक बॉयज़ की। अभी तो आपने दोनों की बात की, लेकिन यहाँ तो कॉलेज भी अवेलेबल नहीं है, लगातार कॉलेज बना है तो उसमें अभी क्लासें भी नहीं लग रही हैं, क्या जो हमारे यहाँ पर कॉलेज हैं उनकी समस्याओं को सबसे ज़्यादा सिरे लिया जाएगा, कॉलेजों की जितनी भी व्यवस्था है उनको सही ढंग से करा जाएगा, और टीचिंग की कमी है, टीचिंग को लाया जाएगा, और जो भी व्यवस्था होगी हम उसको करने के पूरे प्रयास करेंगे और जल्द से जल्द करेंगे।
जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से जनता के लिए? मैं जनता के लिए यही कहूँगा, आपका अपना भाई और बेटा आपके बीच में खड़ा है, आने वाले 21 तारीख को वोटों के निशान पर मुहर लगाएं और भाई को और अपने आप को चुन के नहीं भेजे, चंडीगढ़ पहुँचाने का काम करे जनता। धन्यवाद। ये तौफीक दीजिए जिन्होंने अपने विचार रखे, मैं आपको बता दूँ उनका कहना था कि अगर यहाँ पे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की सरकार बनती है और आप हमें मौका देते हैं तो यहाँ का विकास होगा। वाकई में देखने वाली बात होगी कि जनता आपकी बार ऑटो को चुनती है या नहीं। आप हमारे साथ बने रहें, डीटीवी न्यूज़ पर हम आपको लगातार दिखाएंगे और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बेल आइकन वाला बटन दबाना और साथ में घंटा दबाना भी ना भूलें। बने रहें हमारे साथ, लाइक और शेयर सब्सक्राइब।